हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट की। तो अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करूं तो उसमें अभी तुम्हारा सीलिया एंड फ्लैजुला रह गया है, तो उसका एक टॉपिक रह गया है, वो मैं तुम्हारा कंप्लीट करा दूंगी। और आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे मैं तुम्हारा क्या करूँगी, जितने भी तुम्हारे साइटोस्केलेटन के क्वेश्चन हैं प्लस जो तुम्हारे जो भी तुम्हारे साइटोस्केलेटन वाले जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले क्वेश्चन थे और जो भी माइक्रो फिलामेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे और सिग्नलिंग वाले क्वेश्चन जो मैं करा चुकी हूँ, ये सारा का सारा इनके हम क्वेश्चंस करेंगे, इनके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, हम वो क्वेश्चंस उस दिन कंप्लीट करेंगे। नाउ अगर आपको अच्छे से सीएसआई यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और आपको जो नोट्स चाहिए वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ में, जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी होगी या फिर कोई भी डाउट होगा आप वो सब पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ते हो। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। आप जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपको सर्च इंजन पर जाना है यहाँ और आपको डालना है CSI UGC NET। आप लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको CSI UGC NET डालना है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग, आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है या फिर 24 मंथ्स का लेना है। जैसे अगर कोई भी बच्चा तुम्हारा मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है या फिर किसी ने ड्रॉप लिया है तो वो 6 मंथ्स का ले सकता है, आई थिंक उसके लिए उतना इनफ होगा। जैसे कोई मास्टर्स सेकेंड ईयर में जो बच्चा आया है इस साल, वो 12 मंथ्स का ले सकता है। इसमें क्या होगा कि आपके मास्टर्स के कोर्स के साथ साथ, देखो जो भी नेट का कोर्स है वो किससे मिलता हुआ है, हमारे मास्टर्स के कोर्स से मिलता हुआ है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसके साथ साथ आपका जो रेगुलर कोर्स चलता था वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनके लिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे तुम्हारे कॉलेजेस अच्छे से नहीं मतलब हो पा रहे, तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आई थिंक 24 मंथ्स का उनके लिए बेटर रहेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, एक रेफरल कोड डालना है जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो रेफरल कोड जो होगा वो है कुमकुम टेन रेफरल कोड होगा। तो आपको मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी टीचर्स CSI UGC NET के लिए पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स अगर पढ़ाते हैं वो सब आपको पढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अबाउट 10,395 जाता है, वो वन ईयर के लिए जाता है, सो बहुत कम है आई थिंक। प्रोसीड टू पेमेंट करना है, आप 10% ऑफ इंस्टेंट मिल जाएगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम हो गया, पेपल हो गया, ओला मनी हो गया एंड नेट बैंकिंग इज ऑल्सो देयर। आपको CSI UGC NET लाइफ साइंसेज के लिए करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, आप कोड का यूज कर सकते हैं कुमकुम10 फॉर गेटिंग 10% ऑफ। चलो स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड में कमेंट देख लेती हूँ तुम लोगों के। चलो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट्स के। अब उस दिन मैंने बात करी थी किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है, जो कितने थे, 25 nm जो होता था इनका, नैनोमीटर जो है वो डायमीटर था। अगर मैं माइक्रोफिलामेंट्स की बात करती हूँ, इनका अबाउट 8 nm इनका डायमीटर होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। बहुत छोटे फिलामेंट होते हैं, डायमीटर 8 nm का होता है। ना आज हम बात करने वाले हैं एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन की। देखो ये इतना बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही मिस कर जाते हैं। हमें पूरा एक्टिन का पता होना चाहिए, हमें पूरा मायोसिन का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोटीन है, कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं हम लोग एक्टिन की। देखो जो एक्टिन फिलामेंट्स है आर अप्रॉक्सीमेटली 8 nm इन डायामीटर एंड कंपोज्ड ऑफ अ ग्लोबुलर सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन एक्टिन विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द मोस्ट सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्टिन फिलामेंट है उसका जो डायामीटर है 8 nm का डायामीटर है, जो ग्लोबुलर सब यूनिट से बना हुआ है प्रोटीन एक्टिन की, एंड इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट इन मोस्ट सेल, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होता है हमारे सेल्स में। Now, actin filament or also called microfilaments are organized to high order structure forming a bundle or three-dimensional network. अब ये कैसे बनाता है मैं अभी बताऊंगी आपको। Each actin monomer is known as globular actin. इसको क्या बोलते हैं, globular actin बोलते हैं। Has a tight binding sites that mediate a head to tail interactions with the other two, and each monomer is rotated by 166 degree in the filament, which therefore have a appearance of double helix. Now, actin, देखो ये वाला मैं तुम्हें इससे समझाती हूँ।
ये मेरे एक्टिन है, ये एक्टिन के मोनोमर्स हैं, ठीक है। किसके एक्टिन के मोनोमर्स हैं? ये सारे के सारे, जिसे हम बोलते हैं जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब क्या हुआ? ग्लोबुलर एक्टिन। क्या? ग्लोबुलर एक्टिन। तो ये इसका क्या है? मोनोमर है, मतलब एक एक यूनिट अलग पड़ी हुई है। हाँ, गुड आफ्टरनून कृष्णा, गुड आफ्टरनून। ये अलग अलग यूनिट पड़ी हुई है। अब क्या होगा? ये बनाएंगे डाइमर। डाइमर कैसे? जो इनका हेड और टेल होगा, देखो जैसे ये हेड है इसका, ये वाला हेड है, और इसकी जो ये वाली टेल है, ये वाली, ठीक है, ये जो टेल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। और जैसे एक एंजाइम और एक सब्सट्रेट बाइंड कर जाते हैं, वैसे ही जी एक्टिन के जो मोनोमर्स हैं वो डाइमर फॉर्म कर लेंगे। तो देखो ये इसमें बना दिया डाइमर। डाइमर बनाने के बाद ये बनाएंगे ट्राइमर। ट्राइमर बनाने के बाद ये पूरा का पूरा फिलामेंट बना देंगे, जिसे बोलते हैं हम एफ एक्टिन। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्टिन की मोनोमेरिक यूनिट को क्या बोलते हैं, तो तुम्हें याद रखना है जी एक्टिन बोलते हैं, दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन बोलेंगे। अगर उसको पूछा जाता है तुमसे कि फिलामेंट अगर फॉर्म हो जाता है एक्टिन का, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एफ एक्टिन। तो ये याद रखना है। चलो अब चलते हैं फर्स्ट वाले स्लाइड पे। नाउ देखो, ईच एक्टिन मोनोमर इज नोन एज जी एक्टिन। Now each monomer is rotated by 166 degree in the filament, which therefore have an appearance of double-stranded helix. देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है double-stranded helix से साथ साथ में ऐसे से जुड़ रहा है। देखो देखो ये रहा, ठीक है। तो ऐसी appearance देता है कि ये double-stranded helix है। Now actin monomers to polymerize to form a filament structure, that is F actin. Good afternoon Samajit, good afternoon. Okay, now actin is also involved in the intracellular motile processes such as movement of vesicles, phagocytosis and cytokinesis. देखो तुम्हें functions तो पता ही होना चाहिए। अगर तुम्हें microtubule और microfilament और intermediate filaments के अगर तुम्हें uses ही नहीं पता चले, functions ही पता नहीं चले, तो वहां से एक question तुम्हारा पक्का miss हो जाएगा। तो तुम्हें functions तो पता होने चाहिए। तो अगर मैं एक्टिन की बात करती हूँ, तो ये क्या करता है? साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता है, फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, वेसिकल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब हम जो इसके फंक्शंस पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी रुको, अभी आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। नाउ एक्टिन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल एंड कैन प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर वेरियस टाइप ऑफ सेलुलर प्रोजेक्शंस। नाउ अब मैं अगर तुम्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करती हूँ अभी, और अगर मैं बात करती हूँ माइक्रोफिलामेंट्स की, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता था, जीटीपी यूज होता था, जीटीपी यूज होता था। लेकिन अगर मैं माइक्रोफिलामेंट्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे एटीपी यूज होता है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में जीटीपी या एटीपी आता है, तो तुम्हें दिमाग लगाना है कि माइक्रोफिलामेंट पूछा है या फिर माइक्रोट्यूब्यूल पूछा है। Now, in the presence of ATP, the actin monomers polymerizes to form a flexible helical filament. तो ये क्या था? ये मेरा होलो था, लेकिन ये क्या है? मेरा flexible filament बना है एक। Now, all of the monomers were within a actin filament are pointed in the shape direction. अब इनके पास ये क्या है? ये polar filaments हैं। जब मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पोलर होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स भी पोलर होते हैं, मतलब उनमें दो अलग अलग डायरेक्शन में दो दो अलग अलग मोनोमर्स होंगे। या फिर देखो, एक वहां पे था हमारा, इधर होगा एक बार्ब्ड एंड और एक होगा पॉइंटेड एंड। अब जो बार्ब्ड एंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। किसके लिए? पॉलीमराइजेशन के लिए। और जो पॉइंटेड एंड होता है वो होता है हमारा डीपॉलीमराइजेशन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, याद रखना माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में। लास्ट में मैं डिफरेंस भी करा दूंगी। देखो बाव एंड जो होता है पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा, पॉइंटेड ऐड करेगा डीपॉलीमराइजेशन में। हाँ अभी रुको कृष्णा, सारे के सारे मैं बताने वाली हूँ ना, अभी आने आने वाला है। मैंने बोला फंक्शंस नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले हैं, प्रॉपर डिटेल में आने वाले हैं। रुको, द फर्स्ट स्टेप इन एक्टिन पॉलीमराइजेशन कॉल्ड न्यूक्लिएशन। अगर तुमसे पूछा जाता है कि एक्टिन पॉलीमराइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन, जहाँ पे हमारा डाइमर फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे हमारी दो सब यूनिट आएंगी और डाइमर फॉर्म कर लेंगी। सम्यजीत, जो लास्ट वाली स्लाइड है उसमें मैंने पूरा माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स में डिफरेंस दे रखा है, तो तुम अभी चिंता मत करो, अभी सिर्फ क्लास स्टार्ट हुई है। अभी मैंने कुछ अभी तुम्हें नहीं बताया, अभी बहुत स्टार्टिंग है, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी रुको, सब कुछ आएगा। हाँ
हाँ अभी थोड़ा पेशेंस रखो. नाउ फर्स्ट स्टेप इन द एक्टिन पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एग्रीगेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एक्टिन मोनोमर्स. अब कितना हो गया जो मैंने ये बताया था, इसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन प्रोसेस. इसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन प्रोसेस, यहाँ पे मेरा ट्राइमर फॉर्म हो गया. नाउ ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट्स आर देन एबल टू ग्रो बाय रिवर्सिबल एडिशन ऑफ मोनोमर्स टू बोथ एंड्स. एक होता है बाबर एंड, जो मैं बता चुकी हूँ, जो क्या करेगा, इलोंगेट करता है 5 to 10 times फास्टर देन द पॉइंटेड एंड. देखो ये मेरा हो गया बाब्ड एंड, ये हो गया मेरा बाब्ड एंड और ये हो गया पॉइंटेड एंड. तो जो बाब्ड एंड होता है वो मेरा पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. किसके लिए? पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये 5 to 10 times एक्स्ट्रा काम करता है पॉइंटेड एंड से. ठीक है, एटीपी बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग द असेंबली एंड द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. ये याद रखना है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है. अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक मैंने देखा हुआ था तो ये एक क्वेश्चन करा देती हूँ. देखो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ सब यूनिट डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, कहाँ से होगा, पॉइंटेड एंड से डिसोसिएशन होगा और बार्ब्ड एंड से क्या होगा, एसोसिएशन होगा. ठीक है, अब इस पॉइंटेड एंड पे क्या हो रहा है कि हमारा निकल रहे ज्यादा, ऑफ निकल रहे. ठीक है, मतलब ऑफ का मतलब हो गया जो डिसोसिएशन हो रहा है उसको हम ऑफ से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है. इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन. देखो अगर मैं डिसोसिएशन करा रही हूँ तो मुझे नहीं पता कितने मोनोमर्स यहाँ पे अटैच है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेरे लिए फर्क नहीं करेगी. अगर देखो मेरे को अगर चॉकलेट खानी है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि उसमें एक एक चीज थी या नहीं थी, मुझे पता नहीं है वो बना कैसे है, मैं सिर्फ उसको खा रही हूँ, उसका डिसोसिएशन कर रही हूँ. तो के ऑफ जो है वो इंडिपेंडेंट है मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन से, उसे नहीं पता कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसको सिर्फ डिसोसिएट कराना है. हाँ अभी अभी ये बता रही हूँ, हाँ आ रहा है, रुको अभी. हाँ तो डिसोसिएशन का तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मुझे नहीं पता कि चॉकलेट में दूध डला है या फिर चॉकलेट पाउडर डला है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमसे भी खाने से मतलब है, तो तुम्हें उसकी मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता. ऐसे याद रखो, जो के ऑफ है उसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, मुझे नहीं पता कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एसोसिएशन की, मतलब के ऑन की, जहाँ पे जुड़ता है, जहाँ पे जुड़ता है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री मोनोमर्स. अगर तुम्हें चॉकलेट बनाने को दे दी जाए, अगर तुमसे बोला जाए कि मेरे पास इतना दूध है, मेरे पास इतना चॉकलेट पाउडर है, अब तुम इसको बनाओ, तो तुम्हें हर चीज पता होगी कि दूध कितना लेना है, चॉकलेट कितनी डालनी है, ये सब पता होगा. तो जब हमारा मोनोमर ऐड होता है उस टाइम पे हमें कॉन्सेंट्रेशन पता रहती है, उस टाइम पे वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिसोसिएशन के टाइम पे वो डिपेंड नहीं करेगा. तो एक फॉर्मूला जो निकल के आया, एन एपेरेंट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड टू द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोमर. मतलब क्या हुआ, एक एंड से निकलना और एक एंड से जुड़ना, इनके बीच में एक ऐसा बैलेंस बना दिया गया, एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बना दी गई मोनोमर्स की. तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ऑफ, मतलब के डिसोसिएशन वाला कॉन्स्टेंट, इन टू कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करी थी, दैट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, सी सी इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड के ऑन. तो अगर क्वेश्चन इससे कुछ रिलेटेड आता है तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है. ओके हाँ समझी, एक सेकेंड अब बताती हूँ कि हाँ बाब्ड एंड कैसे पता चला और पॉइंटेड एंड कैसे पता चलेगा. हाँ एक ट्रेड मिलिंग प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. देखो क्या होता है कि अभी एक जगह से, जैसे ये माना मुझे नहीं पता था ये बाब्ड एंड है या क्या एंड है, मुझे नहीं पता था, तो जैसे मैंने अभी माइक्रोट्यूब्यूल में बताया था कि एक पॉजिटिव एंड होता है, एक माइनस एंड होता है, एक प्लस एंड होता है, प्लस एंड पे चीजें जुड़ती हैं, माइनस से निकलती हैं, वैसे यहाँ पे क्या पता चला जब हमने स्टडी करी इसके बारे में, तो पता चला कि जो बाप ये जो एंड था ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे चीजें पॉलीमराइज हो रही थी, यहाँ पे चीजें पॉलीमराइज हो रही थी, तो इसको इन्होंने बोला बाप्ड एंड, बाप्ड एंड की तरह काम कर रहा था. अभी होता कैसे है कि जैसे मेरा पॉइंटेड एंड से कोई भी चीजें निकलती हैं, देखो ये वाली चीज निकली पॉइंटेड एंड से, उसके पास क्या था, एडीपी था. क्या था, एडीपी था. अब क्या होता है, एडीपी का एटीपी से, देखो ये मेरा एटीपी यहाँ पे एक्सचेंज हो गया एडीपी से, और मेरा एटीपी आके बाइंड कर जाएगा. जैसे ही बाइंड करेगा वो जाके बाइंड करेगा अपने फिलामेंट वाले प्रोसेस से, यहाँ पे बाइंड करेगा, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एटीपी का,
जैसे हाइड्रोलिसिस होगा एटीपी का, वो फिर से क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ऐसे मान लो कि एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है, वहां से चीजें जुड़ती रहेंगी और यहाँ से चीजें निकलती रहेंगी, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहता है। इसे बोलते हैं ट्रेड मिलिंग। सब यूनिट्स आर बीइंग एडेड टू द बार्ब्ड एंड। देखो जैसे प्लस एंड मान लो तुम माइक्रोटिब्यूल का, नेगेटिव एंड मान लो तुम माइक्रोटिब्यूल्स वाला, तो वैसे ही सेम है, बस इसका नाम दे दिया है बार्ब्ड एंड और इसका नाम दे दिया है पॉइंटेड एंड। एंड रिमूव्ड फ्रॉम द पॉइंटेड एंड ऑफ ईच फिलामेंट एट अ स्टेडी स्टेट, मतलब एक पर्टिकुलर मेंटेन करके रखती है रिएक्शन को। सो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल सब यूनिट विद इन ईच फिलामेंट इज कॉन्टिन्यूअली मूविंग। समझ में आया, एक से निकल रहा है, एक से जुड़ रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, मूव कर रही है प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेड मिलिंग। कभी ट्रेड मिलिंग वाली देखी हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के ऊपर। देखो ये जो पढ़ना इतना, देखो एक्टिन तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्टिन कैसे काम करता है। ये ड्रग्स वाले क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं जो मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स में कराए। एक जगह तुम कॉपी में लिख लेना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक अलग जगह, माइक्रोफिलामेंट के एक जगह, और फिर दोनों को पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं। चलो पहला पढ़ लेते हैं, पहला पढ़ लेते हैं, दैट इज साइटोचेलसिन। साइटोचेलसिन जो होता है ये मेरा डिराइव होता है मोल्ड से। अब मोल्ड में कंफ्यूज मत होना, मोल्ड एक फंगस है, ठीक है, एक फंगस है, ठीक है। तो वहां से ये साइटोचेलसिन डिराइव्ड होता है। अब ये क्या करता है, विच ब्लॉक द बार्ब्ड एंड। अब मुझे बताओ, अगर मेरा बार्ब्ड एंड ही ब्लॉक हो गया, अगर मेरा बार्ब्ड एंड ब्लॉक हो गया, तो क्या मेरा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो पाएगा, क्या मेरी सब यूनिट जुड़ पाएंगी? नहीं, नहीं जुड़ पाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ डीपॉलीमराइजेशन होता रहेगा, जो मेरे एक्टिन फिलामेंट होंगे वो मेरे वीक होते रहेंगे। तो साइटोचेलसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। दे ब्लॉक द बार्ब्ड एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एंड अलाउज अ डीपॉलीमराइजेशन एट द पॉइंटेड एंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्रग याद रखना है। नेक्स्ट इज फेलोइडिन। ये जो फेलोइडिन है ये हमारा, देखो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है और एक और जगह इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बताती हूँ। देखो जो फेलोइडिन है, क्या हुआ सम्यजीत, देखो ये फेलोइडिन है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉइजनस मशरूम विच बाइंड्स टू द इंटेक्ट एक्टिन फिलामेंट एंड प्रिवेंट देयर टर्न ओवर। अब ये क्या करता है, ये तुम्हारे एक्टिन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और प्रिवेंट करेगा टर्न ओवर, उसको टर्न ओवर मतलब उसका पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हॉल्ट कर देगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से तुम याद रखो, ये जो फेलोइडिन होता है ये हमारा जो डिराइव होता है वो डेथ कैप से होता है, मतलब मशरूम जो है एमनीटा फेलोइड्स, अगर तुम्हें पता हो ये जो होती है जो अल्फा एमिनेटिन को प्रोड्यूस करती है, और जो अल्फा एमिनेटिन होती है वो आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर माना जाता है, अगर तुम्हें ये याद हो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला गया है कि अल्फा एमिनेटिन अगर मैंने डाली है तो आरएनए पॉलीमरेज, कौन सी जो पॉलीमरेज है इसके लिए सेंसिटिव होगी, तो आरएनए पॉलीमरेज जो होती है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, ये इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे भी इनका टर्नओवर को प्रिवेंट कर रहा है, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एक और है, दैट इज लेट्रुनकुलिन। ये जो प्रोटीन है, ये जो ड्रग है, ये कहाँ से आता है, स्पॉन्जेस से आता है। स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरन्स, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस से आता है, विच बाइंड टू द फ्री मोनोमर्स। मतलब फ्री मोनोमर्स का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, फ्री मोनोमर्स का मतलब क्या हुआ, जी एक्टिन से बाइंड करेगा एंड ब्लॉक्स देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू द पॉलीमर्स, और जी एक्टिन को प्रिवेंट करेगा कि वो एफ एक्टिन में ना कन्वर्ट हो। तो ये तीनों के फंक्शन तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, साइटोचेलसिन, फेलोइडिन एंड लेट्रुनकुलिन। साइटोचेलसिन क्या करता है, तुम्हारे बार्ब्ड एंड को जाके ब्लॉक कर देगा, फेलोइडिन क्या करेगा, टर्नओवर को प्रिवेंट कर देगा, लेट्रुनकुलिन क्या करेगा, स्पॉन्जेस से अराइज होगा मोनोमर को ब्लॉक कर देगा, वो पॉलीमर फॉर्मेशन नहीं होने देगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब आते हैं बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं, अगर मैं देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिन को अगर तुम पढ़ोगे ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें आई थिंक सारी चीज़ें देने की कोशिश करी है, ये कंफ्यूज नहीं होना है मैम ये कैसे और कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी भी मैं प्रोटीन्स बताने वाली हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारे किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेके चलोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन।
अगर मैं बात करती हूँ कोई भी प्रोटीन है जो फिलामेंट इनिशिएशन में हेल्प कर रही है या फिर पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रही है, वो होती है ARP23 फॉर्मिन, ARP23 फॉर्मिन। ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद नहीं करना है। सेकेंड इज फिलामेंट स्टेबिलाइजेशन। देखो ये नेबुलिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ये हम जब मसल का पूरा इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ने वाले हैं इसको, तो आई थिंक इसको तो मैं पढ़ा दूंगी तो इतना कोई वो नहीं है। नेक्स्ट इज फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा एक्टिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामिन इंपॉर्टेंट है, फिम्ब्रिन एंड विलिन, ये मैं सभी पढ़ाने वाली, तो मैं सारा का सारा। और कुछ प्रोटीन होती हैं जो एंड कैपिंग में काम आती हैं। एंड कैपिंग में कौन सी काम आती हैं? कैप जेड ट्रोपोमोडुलिन। आई थिंक ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम अगर छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। नाउ फिलामेंट सीवियरिंग एंड डीपॉलीमराइजेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ADF कोफिलिन। सिर्फ ADF कोफिलिन तुम ढंग से पढ़ लो, ये क्या करती है? डीपॉलीमराइजेशन कराती है, डीपॉलीमराइजेशन कराएगी। नेक्स्ट इज मोनोमर बाइंडिंग, जो मोनोमर से बाइंड करेगी। सिर्फ प्रोफिलिन पढ़नी है, प्रोफिलिन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मोनोमर बाइंडिंग कौन कराती है? प्रोफिलिन कराती है। अब आती है एक्टिन फिलामेंट लिंकेज टू अदर प्रोटीन, जो एक्टिन फिलामेंट जो है अदर प्रोटीन से लिंक करने में जो हेल्प करती हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, और जब सेल जंक्शन पढ़ोगे वहाँ पे ये सारी प्रोटीन आने वाली है, यहाँ पे सारी प्रोटीन्स आने वाली हैं। तो आज भी हम रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट वाले जब पढ़ेंगे सेल जंक्शन वहाँ पे भी पढ़ेंगे इनको। अब आते हैं एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे। दीज आर न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स। द स्लोएस्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जूम स्लाइड बेटा, स्लाइड जूम, एक सेकेंड, वेट एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब देखो, अब देखा, हाँ कृष्णा पाल, देखो अब जूम कर दिया, हाँ कर दिया। तुम इसका ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था? स्लोएस्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ, स्लोएस्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज न्यूक्लिएशन। ये बता चुकी हूँ, विच एटलीस्ट रिक्वायर 3 एक्टिन मोनोमर्स, ये तो मैं सारा बता चुकी हूँ। अब बात हम ARP23 कॉम्प्लेक्स पे। मैंने बताया था ARP23 कॉम्प्लेक्स जो है मेरा इनिशिएशन में हेल्प कर रहा है और मेरा पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या करता है ARP23 कॉम्प्लेक्स? मेरा बाय बाइंडिंग टू द साइड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक्टिन फिलामेंट हो गया, ठीक है। इस पे पॉइंटेड एंड हो गया और ये हो गया बार्ब्ड एंड, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ARP23 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ये आके बाइंड कर जाता है तुम्हारे बार्ब्ड एंड पे। देखो ये रहा ग्रीन कलर का जो है, ये मेरा ARP23 है, ये मेरे कहाँ बाइंड कर गया? बार्ब्ड एंड पे बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड करेगा ये क्या करेगा? नई चीज पॉलीमराइजेशन करा देगा उस एंड पे। देखो ब्रांचिंग क्रिएट कर दी इसने, क्या क्रिएट कर दी? ब्रांचिंग क्रिएट कर दी। तो ये किस चीज के लिए हेल्प कर रहा है? ये हमारा इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रांचिंग में भी कौन हेल्प कर सकता है, अगर मैं कहीं भी ARP23 को जोड़ दूंगी तो वो नई नई पॉलीमराइज यूनिट बना देगा, नए नए फिलामेंट्स बना देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। is activated by the side of the actin filament and to activating protein which causes two ARPs to adopt a conformation that provide a template to actin monomers. और क्या करता है? It generate a branched actin filaments, branched actin filaments बना देता है, ठीक है। Next आता है हमारा ADF कोफिलिन। ये मैंने तुम्हें बताया था कि जो ADF कोफिलिन है, ADF कोफिलिन जो है वो depolymerization करा रहा था। क्या करा रहा था? डीपॉलीमराइजेशन करा रहा था। सो इसके दो फंक्शंस होते हैं, दो एक्टिविटीज होती हैं। पहली अगर एक्टिविटी देखूं मैं, इट इज एन एक्टिन डीपॉलीमराइजेशन फैक्टर बाइंडिंग टू अ एक्टिन फिलामेंट एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिसोसिएशन। मतलब क्या कर रहा है? डिसोशिएट करा रहा है, डीपॉलीमराइज करा रहा है ऑफ एक्टिन मोनोमर्स फ्रॉम द पॉइंटेड एंड। ये क्या करेगा? पॉइंटेड एंड से क्या कराएगा? डिसोसिएशन कराएगा। देखो ये रहा मेरा ADF कोफिलिन, ठीक है। ये जो मेहरून कलर का जो है ये ADF कोफिलिन है, ये मेरा एक्टिन मोनोमर हो गया।
अब मैंने क्या करा, जब ये एडिफ कोफिलिन अगर मेरा यहाँ पे पॉइंटेड एंड पे बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करवा रहा है, ये यहाँ से डिसोसिएशन करा रहा है। देखो डिसोसिएशन करा रहा है मोनोमर्स का, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ एक या दो मोनोमर्स ही अलग अलग पड़े हुए मिले हैं। जो पूरा फिलामेंट था मेरा जी एक्टिन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ एडीएफ कोफिलिन। ठीक है, तो एडीएफ वन कोफिलिन रिमेन्स बाउंड टू द एक्टिन एडीपी मोनोमर्स प्रिवेंटिंग देयर रीअसेंबली इनटू द फिलामेंट। मतलब क्या होता है, वो फिलामेंट को तोड़ देता है जी एक्टिन में, उनकी रीअसेंबली नहीं होने देता है। अब आता है प्रोफिलिन। ठीक है, एक आता है प्रोफिलिन। प्रोफिलिन काम क्या करता है, ये स्टिमुलेट करेगा एक्सचेंज ऑफ बाउंड एडीपी टू एटीपी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन एटीपी मोनोमर्स दैट कैन रीपॉलीमराइज्ड इनटू द फिलामेंट। देखो एडीएफ कोफिलिन ने तो अपना काम कर दिया, उसने बोला कि मुझे तो हटाना था इस जगह से, मैंने जगह खाली करवा दी। अब उसकी एक हेल्प में एक इंसान उतरता है जिसका नाम है प्रोफिलिन। ये इंसान इसकी हेल्प करने की पूरी इच्छा रखता है। ये क्या करता है, आता है और जो मोनोमर यूनिट्स मेरी अलग अलग पड़ी थी उनको साथ में जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी लगाएगा, जो उसके पास पैसे होंगे वो इन इंसानों को देगा, और आने के बाद ये क्या करेगा, पूरा पॉलीमराइजेशन करने में हेल्प करेगा, पॉलीमराइजेशन करने में हेल्प करेगा। तो जो एडीएफ कोफिलिन था उसने पूरा घर उजाड़ दिया, पूरा मोनोमर यूनिट उसके खाली कर दी। प्रोफिलिन आके उसकी मोनोमर यूनिट को संभालता है, उसको अलग अलग जोड़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एडीएफ कोफिलिन क्या करता है, एडीएफ कोफिलिन कैन बाइंड एंड सीवियर एक्टिन फिलामेंट्स क्रिएटिंग अ न्यू प्लस एंड्स। ये क्या करेगा, ये कभी कभी क्या करता है, ये अगर तुमने बीच में इसको बाइंड करवा दिया तो इसको ही तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, पूरे फिलामेंट को बीच में से तोड़ देगा। यहाँ पे एक और बार्ब्ड एंड बन जाएगा, एक और पॉइंटेड एंड बन जाएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट और एक बार्ब्ड एंड बन जाएगा। तो अगर हमें पूरे फिलामेंट को बीच में से तोड़वाना है तो कहीं भी तुम एडीएफ कोफिलिन लगा दो, कैची चला दो उसकी एडीएफ कोफिलिन की, और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट तो क्या होता है, द इंडिविजुअल एक्टिन फिलामेंट्स आर असेंबल इनटू द टू जनरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्टिन बंडल्स एंड एक्टिन नेटवर्क्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। जो मेरे एक्टिन फिलामेंट होते हैं दो चीजों में हमारे क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक एक्टिन बंडल बनाएंगे और एक एक्टिन नेटवर्क बनाएंगे, जिनका अलग अलग रोल होता है। अगर मैं बंडल की बात करती हूँ, द एक्टिन फिलामेंट्स आर क्रॉस लिंक्ड इनटू अ क्लोजली पैक्ड एरल रेज। देखो अगर तुम्हें बंडल्स पता हो, बंडल्स आई थिंक उसके लकड़ी के अगर बंडल्स पड़े रहते हैं तो देखो ऐसे से पड़े रहते हैं, वो पैरेलली पड़े रहेंगे, पैरेलली क्लोज लिंक्ड होंगे लेकिन पैरेलली पड़े रहते हैं, तो ये बंडल्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का मतलब एक चीजों को जोड़ना है तो वो ऐसे से काम करेगा, नेटवर्क की तरह काम करेगा। सो द एक्टिंग फिलामेंट्स आर क्रॉस लिंक्ड इन ऑर्थोगोनल रेज दैट फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल मेशवर्क विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड जेल। तो एक होता है बंडल और एक होता है नेटवर्क। अब पढ़ो आगे, An example of bundling protein involved in the formation of these structures is fimbrin. Very important protein. Fimbrin protein है जो bundling में help कर रही है. Which was first isolated from the intestinal microbiome. ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से ये arise हुई, क्यों arise हुई. तुम्हें सिर्फ fimbrin protein याद रखना है कि वो bundling protein है. Now cross linking by alpha actinin. अब देखो, एक-एक करके समझाती हूँ. ये है मेरी fimbrin protein. ठीक है, ये है मेरी fimbrin protein. होता क्या है कि ये क्या है, मेरे एक्टिन मोनोमर्स हैं, मतलब फिलामेंट्स हैं, सॉरी एक्टिन फिलामेंट्स हैं। अब क्या हुआ, ये एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ना भी तो होगा, अभी ऐसे तो काम करेगा नहीं कि अकेला है छोटा सा 8 नैनोमीटर का क्या काम करेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, पैरेलली अरेंज करना पड़ेगा। पैरेलली अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चाहिए होता है क्या, फिम्ब्रिन प्रोटीन। ये फिम्ब्रिन प्रोटीन क्या करती हैं, अगर तुम मोनोमर्स की यूनिट की बात करोगे तो इस पे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होते हैं, बहुत सारे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होंगे, बहुत सारे नहीं सॉरी दो एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होंगे, जहाँ पे एक साइड में कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि जो फिम्ब्रिन प्रोटीन होती है अब उस पे दोनों दोनों साइड कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होते हैं या फिर एक साइड कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होते हैं, कितने एबीडी होते हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखो इस चीज़ का। तो कितने होता है, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन जो होता है वो एक साइड पे होगा, तो वो देखो ऐसे करके बाइंड कर जाएंगे, ये ऐसे करके बाइंड कर जाएंगे।
अगर मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसे बाइंड करते हैं, ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक वाई शेप, देखो जैसे वाई दिखता है वैसा वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, या फिर वी चेन ऐसे देख लो, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डाइमराइज कर जाता है एक दूसरे के साथ में, और ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है। बना दिया, बनाने के बाद ये वाले क्या है, मेरे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन है, ये एक्टिन बाइंडिंग डोमेन है जहाँ पे मेरा कैल्शियम भी लगा हुआ है, जहाँ पे मेरा कैल्शियम भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे आके बाइंड कर जाएगा और इसको ऐसे पैरेलली अरेंज कर देता है। कौन? फिम्ब्रिन प्रोटीन अरेंज कर रहा है पैरेलली, ये काम होता है फिम्ब्रिन प्रोटीन का। 6 PM, हाँ पात्र 6 PM है। अब ये फिम्ब्रिन कंप्लीट हुआ, अब क्या होता है, फिम्ब्रिन की बात करूं मैं, उसके बाद आता है मेरा कौन सा, अल्फा एक्टिनिन आता है। अल्फा एक्टिनिन कॉन्सिक्वेंटली सेपरेटेड बाय द ग्रेटर डिस्टेंस देन दोज क्रॉस लिंक्ड बाय द फिम्ब्रिन। अब मैं बात करती हूँ, जो क्रॉस लिंकिंग अल्फा एक्टिनिन करता है वो बहुत ग्रेटर डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इनको क्या करना है, अगर मोटर प्रोटीन की तरह काम करना है, अगर इन्हें मसल कॉन्ट्रेक्शन कराना है तो उसके लिए भी हेल्प कर देगा, लेकिन फिम्ब्रिन उतना नहीं कर पाता है। तो अल्फा एक्टिनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये मेरा है एक्टिन, ये मॉलिक्यूल्स हो गए, फिलामेंट्स हो गए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प जो कर सकते हैं, अब यहाँ पे कौन सा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा अल्फा एक्टिनिन। ये है तुम्हारा अल्फा एक्टिनिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा एक्टिनिन है। अल्फा एक्टिनिन में क्या होता है, दो यूनिट्स होती हैं, ये एक यूनिट हो गई और ये हो गई दूसरी यूनिट। ये दो यूनिट्स होती हैं जहाँ पे एक यूनिट पे होता है हमारा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके अपोजिट वाली साइड पे होगा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, और जो अपोजिट साइड्स होंगी, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्या, ये होता है अल्फा एक्टिनिन। देखो यहाँ पे ये वाला, ये हो गया हमारा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा एक्टिनिन, जो एक स्पेस प्रोवाइड करेगा और कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्प करेगा। अब आते हैं एसोसिएशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब मुझे पता चला कि मुझे एक्टिन फिलामेंट का पता करना है, क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होते हैं, तो मैं, तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसी कौन सी सेल पे जाऊं, ऐसे कौन से सेल पे जाऊं जहां पे मुझे पता चले कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली निकाल सकती हूं और मुझे पता भी चल सकता है कि यहां से मैं ढंग से पता भी कर पाऊंगी। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, अगर तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज़ें पढ़नी है, किसी चीज़ पे स्टडी करनी है, तुम आरबीसीज को उठा लो, तुम आरबीसीज को उठा लो, ना न्यूक्लियस है ना साइटोस्केलेटन, इतना डाइवर्स है, कुछ नहीं है, बहुत इजीली से तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा और तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ दिस नेटवर्क ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड एसोसिएटेड एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स कॉल्ड अ सेल कॉर्टेक्स डिटरमाइंस द सेल शेप इज इन्वॉल्वड इन वैरायटी ऑफ सेल सरफेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मूवमेंट। अब तुम्हें पीछे पता भी चल गया होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्प करा रहा है, ये सेल का शेप भी डिटरमाइन करेगा। चलो देखते हैं कैसे। अब मुझे जब सेल लेनी है तो कौन सी लूंगी, आरबीसीज लूंगी। अब हमें पता है जो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स हैं, मतलब आरबीसीज हैं, लैक अदर साइटोस्केलेटल कंपाउंड, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि आरबीसीज में साइटोस्केलेटल कंपोनेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ऑल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटल फाउंड इन आरबीसीज, तो तुम्हें लगाना है नहीं, नो, नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल है और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं वो आरबीसीज में नहीं पाए जाते, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो आरबीसीज में मिलते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। सो द कॉर्टिकल एक्टिन साइटोस्केलेटन इज अ प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ देयर डिस्टिंक्टिव शेप एज अ बाइकॉनकेव डिस्क। ओके नाउ साइटोस्केलेटन इन एरिथ्रोसाइट इज अ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन स्पेक्ट्रेन। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि एरिथ्रोसाइट में कौन सी एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो कौन सी है, स्पेक्ट्रिन। ये हजार बार क्वेश्चन आ रखा है, ये हजार बार क्वेश्चन आ रखा है। नाउ स्पेक्ट्रिन इज अ मेंबर ऑफ लार्ज कैल्पोनिन फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कैल्पोनिन फैमिली। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तुम्हें स्पेक्ट्रिन दे दिया जाएगा और तुमसे तीन चार वो दे दिए जाएंगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे और तुमसे पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तब तुम्हें याद रखना है जो स्पेक्ट्रिन है वो कार्पोनिन फैमिली से बिलोंग करता है, एक एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, एक एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है विच इंक्लूड्स अल्फा एक्टिनिन, फिलामिन एंड फिम्ब्रिन ऑल्सो। ठीक है, इनके अंदर ही आती है सारी की सारी। नाउ द बीटा चेन हैज अ सिंगल एक्टिन बाइंडिंग डोमेन एट इट्स अमाइनो टर्मिनस। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है।
देखो ये है मेरा स्पेक्ट्रम, ये क्या है मेरा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का टेट्रामर है। अभी काम कैसे करता है देखो, एक ये हमारी अल्फा चेन हो गई, उसके अपोजिट साइड में बिल्कुल नीचे जैसे ऐसे अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट है। देखो एक अल्फा चेन हो गई, एक अल्फा चेन यहाँ हो गई, एक बीटा चेन यहाँ हो गई, एक बीटा चेन यहाँ हो गई। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि जो मेरी एक्टिन बाइंडिंग डोमेन है, मतलब मेरा जो एबीडी है वो किस किस यूनिट से बाइंड रहता है, वो किस यूनिट से बाइंड रहता है। तो तुम्हें याद रखना है कि ये बीटा सब यूनिट से बाइंड करेगा। देखो ये रहा मेरा एक्टिन बाइंडिंग डोमेन, किससे बाइंड करा है, बीटा चेन से। ये रहा मेरा एक्टिन बाइंडिंग डोमेन, किससे बाइंड करा है, बीटा चेन से, ये याद रखना है। और जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होता है वो मेरा अल्फा चेन पे मिलता है, वो मेरा अल्फा चेन पे मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है दिमाग में। एक स्पेक्ट्रम है, बीटा चेन पे मेरा एबीडी मिलेगा, और अगर मैं अल्फा चेन की बात करूंगी तो मेरा कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन मिलेगा। अब देखते हैं, ये देखो ये मेरी आरबीसी हो गई, ये मेरी आरबीसी हो गई, इसको मैंने खोल लिया पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये रहा मेरा स्पेक्ट्रम, देखो ये रहा मेरा स्पेक्ट्रम, ये रहा। अब क्या है, देखो यहाँ पे मेरी क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स हैं जिसमें क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होगा। एक यूनिट यहाँ से आ रही है और एक यूनिट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन है, इसके पास एक्टिन बाइंडिंग डोमेन है। बीच में इन्होंने क्या कर लिया, एक्टिन को बाइंड कर लिया, एक्टिन को बाइंड कर लिया। अब ये किससे अटैच्ड है, ये ग्लाइकोफोरिन, मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, ये कभी मैं अलग से पढ़ाऊंगी। ये जो बहुत देखो ग्लाइकोफोरिन और बैंड थ्री और स्पेक्ट्रिन, ये तीनों इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि वो कभी भी क्वेश्चन इन तीनों पे कभी भी रख देता है, कभी बैंड थ्री पे आ जाएगा, कभी ग्लाइकोफोरिन पे आ जाएगा, कभी स्पेक्ट्रिन पे आ जाएगा, इन तीनों पे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी ग्लाइकोफोरिन और बैंड थ्री के बारे में, जब कभी साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स पढ़ेंगे ना, जो सेल जंक्शन में पढ़ेंगे तब हम ढंग से पढ़ेंगे इनको। देखो ये रही मेरी बैंड थ्री प्रोटीन जो भी स्पेक्टिन से बाइंड है, ठीक है। ये रही ग्लाइकोफोरिन, यहाँ पे आके स्पेक्टिन से बाइंड है। देखो एनकाइरिन प्रोटीन, अगर तुमने अगर याद हो थोड़ा बहुत भी तुम्हें सेल जंक्शन वाला, तो एनकाइरिन प्रोटीन भी यहाँ पे देखो इससे बाइंड है। तो ये याद रखनी है चीजें, स्पेक्टिन वाला याद रखो बस अभी तो खाली, कि स्पेक्टिन में इतनी अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है, बीटा किससे बाइंड करती है, अल्फा किससे बाइंड करती है। नाउ एडिशनल मेंबर ऑफ कार्बोनिन फैमिली इज डिस्ट्रोफिन, ये आई थिंक पता होगी। जो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी हो जाती है वो किस प्रोटीन की वजह से होती है, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं हो पाती है इसकी वजह से होती है। अभी किस कार्बोनिन फैमिली से ये बिलोंग करती है, जहाँ से स्पेक्ट्रम बिलोंग करती है वहां से ही डायस्ट्रोफिन बिलोंग करती है। इज अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू टाइप ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, दैट इज ड्यूशने एंड बेकर्स डिस्ट्रॉफी। This is an X-linked inherited disease, result in progressive degeneration of the skeletal muscles and the patient with a more severe form of Duchenne muscular dystrophy. So I think इतना याद रखो, जो dystrophin protein है वो भी हमारे carbonin family का part है, वो भी actin binding protein में काम कर रही है। तो अगर वो नहीं होती है, अगर उसमें कोई भी mutation हो जाती है, कोई भी X-linked inherited disease अगर है वो, तो हमारी बहुत ये जो Duchenne muscular dystrophy है ये तो बहुत important है। अगर तुम ICMR और JRF का एग्जाम देने जा रहे हो, ICMR JRF वाला, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है वो किस टाइप की डिजीज है। तो याद रखना है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अब आते हैं एक और चीज पे। अगर ये देखो तुम्हारा ये सिर्फ खाली ये माइक्रो फिलामेंट्स नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा जितना भी जंक्शन था ना उससे भी रिलेटेड चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम्हारा जब मैं जंक्शन पढ़ाऊंगी तो तुम इस चीज को भी रिलेट करके चलना वहां पे। तो ये वाले अगर मैं वहां पे डालूंगी फिगर वगैरह तो तुम्हें थोड़ा याद रहेगा और चीजें माइंड में फिर सेट भी रहेंगे। नेक्स्ट इज फोकल अधेशंस आर मीडिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ इंटेग्रिन्स टू द प्रोटीन्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स। आई थिंक ये तुम्हें पता होना चाहिए, जो फोकल अधेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटेग्रिन्स और एक्स्ट्रा सेलर प्रोटीन्स को बाइंड कराने में हेल्प करते हैं। नाउ एक कुछ आते हैं स्ट्रेस फाइबर्स, बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट जिसे बोलते हैं स्ट्रेस फाइबर, विच इज बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट क्रॉस लिंक्ड बाय अल्फा एक्टिनिन, दिस इज अल्फा एक्टिनिन। ये तो मैं तुम्हें पहले दिखा चुकी हूँ सारा का सारा। आर देन बाउंड टू द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द इंटेग्रिन्स बाय कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन ऑफ द प्रोटीन्स। यहाँ देखो ये मेरा एक्टिन फिलामेंट हो गया, ये मेरे अल्फा एक्टिनिन हो गए, ये दिखा चुकी है वाला फिगर। अब क्या करता है, ये बहुत सारी इंटेग्रिन प्रोटीन से बाइंड करता है थ्रू विनक्यूलिन टेलिन। ये बहुत बार इसका सिर्फ तुमसे अरेंजमेंट पूछा जाता है, सिर्फ अरेंजमेंट पूछा जाएगा
कि विनक्यूलिन बाइंड करेगा पहले, फिर टेलिन बाइंड करेगा, टेलिन के साथ फिर मेरी इंटेग्रिंस बाइंड कर जाएंगी, इंटेग्रिंस बाइंड कर जाएंगी वो किसके साथ बाइंड करेंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंड करेंगी। तो बहुत बार ये भी पूछा गया है, तो ये याद रखो। देखो याद क्या रखना है तुम्हें, याद रखना है जो टेलिन है वो बाइंड करता है इंटेग्रिन के साथ में, इंटेग्रिन के साथ में कौन बाइंड करेगा, टेलिन बाइंड करेगा, एंड विनक्यूलिन एंड टेलिन बाइंड्स टू द एक्टिन। और ये जो विनक्यूलिन और एक्टिन है ये मेरे एक्टिन से, देखो दोनों एक्टिन से बाइंड करे हुए हैं, विनक्यूलिन और टेलिन दोनों एक्टिन से बाइंड करे हुए हैं। नाउ दिस इंटेग्रिन्स बाइंड टू द अल्फा एक्टिनिन ऑल्सो। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंटेग्रिन्स होता है मेरा अल्फा एक्टिनिन से डायरेक्टली बाइंड कर जाता है, डायरेक्टली बाइंड कर जाता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है, जो मेरा टेलिन होगा वो मेरे इंटेग्रिन से बाइंड करेगा, विनकुलिन और टेलिन दोनों एक्टिन से बाइंड करते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो इंटेग्रिन है वो डायरेक्टली मेरा अल्फा एक्टिनिन से बाइंड कर जाता है। इस फिगर को दिमाग में बिठा लो, इस फिगर को दिमाग में बिठा लो अपने। अब मुझसे पूछा था किसी बच्चे ने क्या, अब मैं बताती हूँ कैसे हुआ। देखो पहले मैंने लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज करा, मैंने लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज करा और मैंने पता करा कि एक्टिन मतलब कुछ है, ऐसा चीजें पता चली मुझे कि एक पर्टिकुलर सा ये है मोनोमर, और ये सब नहीं पता चला, सिर्फ देखा मैंने कि हाँ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेडिली आइडेंटिफाई कर पाई मैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने फ्लोरोसेंटली लेबल्ड फेलोइडिन यूज करा, मैंने फ्लोरोसेंटली लेबल्ड फेलोडिन यूज करा। अब तुम्हें पता है फेलोडिन का फंक्शन क्या होता है, उसके टर्नओवर रबर को कम कर देता है, प्रिवेंट करता है। तो फिर मैंने वो मतलब इसका यूज करा, अ केमिकल दैट बाइंड्स टू द साइड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट और थ्रू द यूज ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटी एक्टिन एंटीबॉडीज। तो उसके बाद देखो अगर मेरा कोई फिलामेंट है और मैं इसके खिलाफ कुछ भी एंटीबॉडीज डाल रही हूँ और फिर फ्लोरोसेंटली लेबल डाल रही हूँ, मतलब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से देख सकती हूँ, देखने बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वाले एक्टिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एन एक्टिन एक्टिन मोनोमर बाइंड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एंड एक्टिन इज एन एटीपीएज एंजाइम। द रोल ऑफ एटीपी इन एक्टिन असेंबली इज सिमिलर टू दैट जीटीपी ऑफ माइक्रोट्यूबुल असेंबली। नाउ एटीपी एसोसिएट विद द एक्टिन मोनोमर इज हाइड्रोलाइज्ड टू एटीपी। ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ पहले, तो बार बार डिस्कस नहीं करते। आई थिंक व्हेन प्रेफर्ड एक्टिन फिलामेंट्स आर इनक्यूबेटेड विद द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेबल्ड एटीपी एक्टिन मोनोमर्स, बोथ एंड्स ऑफ द फिलामेंट बिकम लेबल्ड बट फास्ट ग्रोइंग। तो सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें ये पढ़ना है, अगर तुमसे आता है किसी भी ऑप्शन में ही पूछा जाता है कि इफ द फास्ट, नहीं बताओ ये चीज पूछी जाएगी, द फास्ट ग्रोइंग बार्ब एंड इनकॉर्पोरेट्स द मोनोमर्स एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 times दैट ऑफ प्रिंटेड पॉइंटेड एंड। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो तुम्हें बोलना है हाँ दिस इज एन दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो फास्ट ग्रोइंग बार्ब्ड एंड होता है वो 10 times फास्टर मोनोमराइज करता है, पॉलीमराइज करता है एज कम्पेयर टू द पॉइंटेड एंड। द बार्ब्ड एंड पॉइंटेड रिक्वायर्स अ डिफरेंट मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी एक्टिन मोनोमर्स इन ऑर्डर टू इलोंगेट मेजर्स नोन एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगर मुझे कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलेगी तभी वो चीज स्टार्ट होगी, वैसे ही बार्ब और पॉइंटेड एंड को भी मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर पर्टिकुलर एटीपी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी तो वो भी अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड प्रोटीन पे, दैट इज मायोसिन। मायोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है मायोसिन, पर इसके बारे में ज्यादा तुम्हें इतना एक्टिन वाला जितना पढ़ा है उतना नहीं पढ़ना है, इतना डीप में इसका स्टडी भी नहीं हुआ है। सो द मॉलिकुलर मोटर ऑफ एक्टिन जिसे बोलते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है मायोसिन इज अ मॉलिकुलर मोटर ऑफ एक्टिन, तो तुम्हें हाँ करना है, उसको यस करना है कि हाँ वो होती है। ना मायोसिन इज अ प्रोटोटाइप ऑफ अ मॉलिकुलर मोटर प्रोटीन दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू द मैकेनिकल एनर्जी दस जनरेटिंग अ फोर्स एंड मूवमेंट। अगर तुमने मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ा है तो जो मायोसिन का हेड होता है उस पर एटीपी होता है, उस एटीपी की वजह से ही क्या होता है एक जनरेट हो पाता है फोर्स और मूवमेंट हो पाता है। तो मायोसिन एक मॉलिकुलर मोटर का तरह मोटर की तरह काम करती है। मायोसिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ममेलियन स्केलेटल मसल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया। ऑल मायोसिन शेयर अ मोटर हेड, मैंने बताया उसके हेड रीजन पे होता है मोटर प्रोटीन, मतलब जो एटीपी है उसके हेड रीजन पे होगा। द हेड कंटेन अ साइट दैट बाइंड्स एन एक्टिन फिलामेंट। अभी जो हेड रीजन होगा यहाँ पे एक साइट होगी जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट भी बाइंड कर सकता है, प्लस प्लस यहाँ पे एटीपी भी बाइंड कर सकता है, एंड अ साइट दैट बाइंड्स एंड हाइड्रोलाइज द एटीपी टू ड्राइव द मायोसिन मोटर।
ठीक है, ये आई थिंक सबको पता होगा, और नहीं पता तो इसको अभी जान लो. नाउ हेड डोमेन्स ऑफ वेरियस मायोसिन्स आर सिमिलर. अगर बात करती हूँ कि जो मायोसिन के हेड हैं, अगर बहुत सारी मायोसिन रखी हुई हैं, तो हम हेड डोमेन को इतनी अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सिमिलर दिखते हैं. लेकिन जो टेल रीजन होते हैं इनके, जो टेल रीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट होते हैं. अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, हेड रीजन शो करेगा या फिर टेल रीजन शो करेगा, तो याद रखना है जो टेल रीजन होता है वो हाईली डाइवर्जेंट होगा एज कम्पेयर टू द हेड रीजन. The myosin contain a variety of low molecular weight light chains. अब मैं तुम्हें बताती हूँ मायोसिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन तुम्हें सारे टाइप्स नहीं पढ़ने हैं. एक दो के बारे में पता कर लो, क्वेश्चंस इतना डीप में नहीं आता कि तुमसे पूरा टाइप का अलग पूछे. तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ आई थिंक बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा तुम्हें बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Proteins of the myosin second class are the primary motors for the muscle contraction, but are also found in variety of non-muscle cells. तो याद रखना है जो proteins हैं myosin second वाली वो primary motors हैं, ठीक है? All myosin second move toward the barbed end of actin filament. Among their non-muscle activities, type 2 myosins required for splitting a cell in a during a cell division. Generating a tension at a focal adhesion, cell migration and turning behavior of the growth cones. इसका मतलब क्या हुआ, जो मायोसिन सेकंड है वो एक्टिन फिलामेंट में तो काम कर रहा है, बार्बर एंड पे तो जा रहा है, लेकिन वो और किसी चीज में भी काम करता है. जैसे जब उसको स्प्लिटिंग करानी होती है सेल मेम्ब्रेन की, जब हमारा सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे भी मायोसिन काम आता है, फोकल अधेजन के टाइम पे भी मायोसिन काम आता है. अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ इसमें क्या होता है, देखो ये है मायोसिन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ये है मेरा इसका हेड रीजन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर हेड रीजन. इसके पास में जो होता है असेंशियल लाइट चेन्स होती हैं और कुछ होती है रेगुलेटरी लाइट चेन्स. येलो वाली जो है वो है असेंशियल लाइट चेन्स और जो ग्रीन वाली है रेगुलेटरी लाइट चेन्स है. एंड दे हैव अ हैवी चेन एंड कॉइल ऑफ टू अल्फा हेलिकल टेज. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा बहुत देख लेना, समझ लेना. द मायोसिन सेकेंड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू हैवी चेन्स एंड टू पेयर्स. देखो टू हैवी चेन्स हैं एंड टू पेयर्स ऑफ लाइट चेन्स हैं, मतलब कितना हो गया, दो तो हैवी चेन्स हो गई, चार हो गई लाइट चेन्स. कॉल्ड अ एसेंशियल एंड रेगुलेटरी लाइट चेन्स. द हैवी चेन्स हैव अ ग्लोबुलर हेड. अब क्वेश्चन क्या आता है कि किस चेन के पास ग्लोबुलर हेड होता है, तो हमारा जो हैवी चेन होती है वहां पे ग्लोबुलर हेड होता है. एंड अ लॉन्ग हेलिकल अल्फा टेल विच कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डाइमर. देखो ये जो मेरी हैवी चेन थी इसी ने मेरी टेल बनाई, ठीक है, इसी ने मेरा हेड रीजन बनाया. और जो मेरी लाइट चेन है वो मेरे टू पेयर्स में होते हैं, असेंशियल लाइट चेन्स एंड रेगुलेटरी लाइट चेन्स. आई होप ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज, बट फिर भी मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है. इसमें होता क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ से रिलेटेड नहीं है, जब हम मसल कॉन्ट्रेक्शन करते हैं वहां पे ज्यादा काम आता है. देखो कैल्शियम, ये कैल्शियम 2 प्लस है, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस बाइंड्स टू द कार्मोडुलिन प्रोटीन. अब तुम्हें पता होना चाहिए जो कैल्शियम की एफिनिटी होती है कार्मोडुलिन प्रोटीन के लिए, जो साइटोप्लाज्म में मिलती है उसके लिए बहुत ज्यादा होती है. जैसे कैल्शियम को दिखता है कार्मोडुलिन, वो भग के पड़ता है और जाके उसे मिल जाता है. जैसे ही मिलेगा, विच इन टर्न बाइंड्स द मायोसिन लाइट चेन काइनेसेस, दैट इज MLCK. देखो ये था मेरा कार्मोडुलिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, आके इसको अच्छे से इसके पास में जुड़ गया आके. फिर आती है मेरी, जिसका नाम होता है हमारा मायोसिन लाइट चेन काइनेसेस. अब ये काइनेसेस हैं तो काइनेसेस क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे. फॉस्फोराइलेशन होगा तो कोई भी चेंज होगा उसमें, कॉन्फॉर्मेशन में चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या करती हैं ये अपने साइटिन को बाइंड कर लेती हैं. बाइंड करने के बाद उसका ATP का कन्वर्जन करा देती हैं ADP से, मतलब इसने एनर्जी यूज कर ली. एनर्जी यूज करने के बाद इसका क्या होगा, जो हमारा इनएक्टिव मायोसिन पड़ा था अब वो एक्टिव मायोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. एक बार मैं और समझा देती हूँ. हाँ वेरी गुड. हाँ फॉस्फोरिलेशन नहीं, ऑटो फॉस्फोरिलेशन नहीं, काइनेसिस का मतलब होता है फॉस्फोराइलेट कराओ, ठीक है. तो कोई भी अगर तुम्हारा प्रोडक्ट है, या फिर देखो ये सबस्ट्रेट माना, ये मेरी एंजाइम मान लो तुम, और ये मेरा सबस्ट्रेट हो गया, तो ये इसको फॉस्फोराइलेट करा देगा, इसको फॉस्फोराइलेट करा देगा. ऑटो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑटो फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा है.
क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरी साइटोप्लाज्म में पड़ी थी, फिर कैल्शियम मुझे चाहिए था। जैसे कैल्शियम आएगा, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, बिना कैल्शियम के रिलीज हुए मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। मसल कॉन्ट्रेक्शन चाहिए तो मतलब मायोसिन चाहिए। मायोसिन कैसे आएगी, जैसे कैल्शियम बाहर निकला, कार्बोडाइऑक्साइड ने उसे बाइंड कर दिया, एक MLC के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आता है, उसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है, वो फॉस्फोराइलेशन करेगी किसको, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपने साथ बाइंड कर लेगी। इसके साथ बाइंड होते ही क्या होगा, मेरा ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलने के बाद जो इनएक्टिव मायोसिन था, मेरा मायोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। अब आती मायोसिन वन, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। मायोसिन वन कंटेन्स अ हेड ग्रुप सिमिलर टू द मायोसिन सेकेंड, बट इट हैज अ कंपैरेटिवली शॉर्ट टेल, डज नॉट फॉर्म डाइमर्स और फिलामेंट्स, ऑल्दो इट कैन इंड्यूस अ कैन नॉट इंड्यूस अ कॉन्ट्रेक्शन। तो जो मायोसिन वन है उसका हेड रीजन तो मायोसिन सेकेंड जैसा दिखेगा, पर उसकी बहुत शॉर्ट ट्रेल होती है, डायमर नहीं फॉर्म कर सकता, मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा सकता, तो कुछ ऐसा काम का है नहीं। देखो ये रहा तुम्हारा मायोसिन वन, स्पर्म की तरह जो दिख रहा है ये वाला है मायोसिन वन, ना कॉन्ट्रेक्शन करा सकता है ना कुछ करा सकता है, तो ये है तुम्हारा मायोसिन वन। एक आता है मायोसिन फिफ्थ। मायोसिन फिफ्थ जो है इज अ टू हेडेड मायोसिन लाइक मायोसिन सेकेंड, इट ट्रांसपोर्ट द ऑर्गेनेलीज। ये किसमें हेल्प करेगा, ऑर्गेनेलीज को ट्रांसपोर्ट कराएगा एंड अदर कार्गो, फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया टूवर्ड्स अ बार्ब्ड एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। देखो ये मेरा बार्ब्ड एंड हो गया, ये पॉइंटेड एंड हो गया, ये मेरा पूरा पूरा ये हो गया हमारा कौन सा मायोसिन फिफ्थ, मायोसिन फिफ्थ हो गया। ये क्या कर रहा है, देखो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मूवमेंट कराता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मूवमेंट कराता है। तो सिर्फ इतना याद रखो, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ आता भी है क्वेश्चन। और ये वाली याद रखो, जो मायोसिन फर्स्ट है ये क्रॉस लिंक में हेल्प करेंगी, ज्यादा इनका कोई इतना फंक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ क्रॉस लिंक में हेल्प कर सकती है, जहाँ पे लिपिड बाय जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस लिंकिंग होती है तो वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं मायोसिन फिफ्थ की बात करूं, ये सिर्फ ऑर्गेनेल्स का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेंगी, साइटोप्लाज्म में वेसिकल्स फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, तो ये इनका काम होता है। अब पढ़ते हैं डिफरेंस, आई थिंक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पढ़ते हैं इसका, माइक्रोटिब्यूल्स का, एक्टिन फिलामेंट का। अगर तुमने पहली वाली वीडियो देखी तो तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस चीज को। तो मैंने वही वाली स्लाइड ऐड करी है जो माइक्रोटिब्यूल्स के लिए करी थी, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो अगर मैं माइक्रोटिब्यूल्स की बात करी थी तो वहाँ पे GTP यूज हो रहा था, GTP यूज हो रहा था, और अगर एक्टिन की बात करी तो यहाँ पे ATP यूज हो रहा है, ठीक है, ये आ गया याद। अब अगर मैं बात करी थी वहाँ पे कि जहाँ पे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही थी वो प्लस एंड पे हो रही थी, मतलब बीटा ट्यूबुलिन के साइड में हो रही थी, यहाँ पे उस प्लस एंड को बोलते हैं बार्ब्ड एंड। क्या बोलते हैं, बार्ब्ड एंड बोलते हैं। पोलैरिटी दोनों में होगी, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, पोलैरिटी दोनों में मिलेगी। अगर मैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करूंगी, यहाँ पे GTPase होगी और यहाँ पे ATPase होगी। मोटे प्रोटीन्स की बात करती हूँ, यहाँ पे काइनेसिन्स होंगे एंड यहाँ पे डाइनेन्स होंगे, जबकि यहाँ पे जो होंगे वो मायोसिन्स होते हैं। मोटे प्रोटीन्स जो होते हैं मायोसिन्स होते हैं। यहाँ पे अगर आता है मेजर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ये थे मैप्स, ये अच्छे से करा चुकी हूँ, मैप्स थे। यहाँ पे कौन से हैं, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, फिलामेंट हो गया, अल्फा एक्टिनिन हो गया, ये सारे हमने कर लिए हैं। स्ट्रक्चर की बात करो, जो माइक्रोट्यूबुल होता है वो स्टिफ होता है, हॉलो होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, लेकिन एक्टिवन जो फिलामेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होगा, इनएक्सटेंसिबल हेलिकल फिलामेंट होगा। इसका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर का होता है, जबकि इसका 8 नैनोमीटर का होता है। आई थिंक तुम रिलेट कर पा रहे होगे अच्छे से। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स, और ये भी सारे यूकैरियोट्स में मिलता है। सपोर्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगा, कॉन्टेक्टिव तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, मोटिलिटी में भी हेल्प करता है एंड इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये भी हेल्प करेगा। तो अगर ये दोनों सेम फंक्शन हो रहे हैं तो तुम्हें सब ये वाला फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इनके अलग अलग फंक्शन, जैसे ये सपोर्ट में काम कर रहा है, सेल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इसका याद रखो तो मोटिलिटी में काम कर रहा है, कॉन्टेक्टिलिटी में काम कर रहा है, दोनों साइटोप्लाज्म मिलेंगे। आई थिंक आज के लिए बहुत है, ये ज्यादा हो गया होगा। हाँ चलो ठीक है, आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। और जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें कल आई थिंक क्लास जो होगी, मैं पूरा मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, और सब कुछ इंक्लूड करना बहुत वो हो जाता है कि एक घंटे में कैसे होगा, बट आई विल ट्राई। और जो तुम्हारा साइटो जो माइक्रोट्यूबुल वाला जो थोड़ा सा रह गया है, सीलिया फ्लैजुला वाला, वो मैं करा दूंगी, सो डोंट वरी, तुम्हारे वहाँ से नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जुड़ना है, CSI UGC NET वहाँ पे सर्च करना है, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करोगे
तो वहाँ पे 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एक रेफरल कोड करना है जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कुमकुम 10 यूज करना है जिसकी वजह से आपको मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी टीचर्स और हैं हमारे अनअकैडमी में सबके कोर्सेज मिल जाएंगे। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग आप कैसे भी कर सकते हो। लाइफ साइंसेज UGC नेट के लिए कुमकुम 10 अप्लाई करें फॉर गेटिंग अ 10% ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।